हेलो फ्रेंड्स, कुक इट रिपीट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ राजस्थान की प्रसिद्ध सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू की रेसिपी। गोंद हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। ये हमारी हड्डियों को तो मजबूत करता ही है, साथ ही हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। अगर आप रोजाना सर्दियों में सुबह गर्म दूध के साथ एक लड्डू का सेवन करें तो ये आपके शरीर को गर्माहट तो देगा ही और साथ ही रोगों से लड़ने की ताकत भी देगा। ये लड्डू आपको कमर दर्द, जोड़ों के दर्द में भी बहुत ही फायदा करेगा। तो अगर आप भी गुणों से भरपूर इस लड्डू को बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गोंद के लड्डू बनाना। गोंद के लड्डू बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है वो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने 400 ग्राम आटा लिया है, 200 ग्राम नारियल का बुरादा है जिसे डेसिकेटेड कोकोनट भी कहते हैं, 250 ग्राम देसी घी लिया है, 300 ग्राम चीनी, 200 ग्राम गोंद लिया है, यहाँ पे मैंने छोटा वाला गोंद लिया है, और 50 ग्राम बादाम लिए हैं जिसे मैंने इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है। फ्रेंड्स, इन सभी इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, यहाँ पे मोटे तले की कढ़ाई लीजिएगा फ्रेंड्स। अब हम गैस को ऑन कर लेते हैं और जो हमने घी लिया है उसको आधा इसमें डाल देंगे। घी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। फ्रेंड्स, घी हमारा गर्म हो गया है, फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है। अब थोड़ा सा हम डाल के देख लेते हैं। ये देखिए हमारा घी आ गया है। अब इस तरह से हम लेंगे गोंद को और इस तरह से डालेंगे चारों तरफ, एक साथ ज्यादा नहीं डालेंगे। ये देखिए और इस तरह चला देंगे। ये देखिए गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। ये देखिए फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम नहीं लगता है गोंद को फूलने में। सारा निकाल देंगे नहीं तो गोंद जल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैं एक और तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसके मतलब गोंद हमारा अच्छे से फूल गया है। अब इस तरह से और फ्राई कर लेते हैं। इस तरह से हिला देंगे। ज्यादा डालेंगे तो गोंद एक दूसरे से चिपक जाएगा फ्रेंड, और इस तरह से डालेंगे तो गोंद आपका चिपकेगा नहीं। ये देखिए एकदम नहीं चिपका हमारा। अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए तड़कने की आवाज आ रही है फ्रेंड। ये देखिए इसके मतलब गोंद फूल गया है। इस तरह से सारे बैचेस में हम गोंद को फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैंने सारे गोंद को फ्राई कर लिया है। ये देखिए गोंद कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। ये देखिए, और इतना गोंद फ्राई करने के बाद इतना घी बच गया है, इसी में हम और घी डाल के आटे को भून लेंगे। मैं और घी डाल दे रही, जो हमारे पास घी बचा है वो इसमें डाल देंगे सारा। गैस को ऑन कर देती हूँ। घी अच्छे से गर्म हो जाए पहले हमारा। घी हमारा गर्म हो गया है अच्छे से। अब इसमें मैं आटा को डाल दे रही हूँ। सारा आटा डाल देंगे इसमें। अब फ्रेंड्स, फ्लेम को यहाँ पे एकदम लो ही रखना है, नहीं तो आटा बहुत जल्दी कलर पकड़ लेगा लेकिन ठीक से भुनेगा नहीं और एक कड़वापन भी आ जाएगा। इसे हमें लो फ्लेम पे एकदम अच्छे से भूनना है। इसे चलाते रहना फ्रेंड, छोड़ना नहीं है नहीं तो आटा नीचे जल जाएगा। फ्रेंड्स, इस आटे को भूनते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। ये देखिए हल्का का सुनहरा कलर भी आने लग गया है
और इसे हमें 5 मिनट भूनना है ताकि बहुत अच्छा कलर आ जाए और अच्छे से भून जाए आटा। यहाँ पे हम जितने अच्छे आटे को भूनेंगे लड्डू हमारे उतने ही स्वादिष्ट बनेंगे। फ्रेंड्स, ये लड्डू बहुत ही फायदेमंद करता है शरीर के लिए। गोंद तो बहुत ही हेल्दी है। अगर हम सुबह गर्म दूध के साथ एक लड्डू खा लें तो हमें सारे दिन एनर्जी रहेगी, थकान महसूस नहीं होगी। और जिनको कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, उनके लिए भी ये बहुत ही फायदेकारक है। ये देखिए फ्रेंड, 10 से 12 मिनट हो गए हैं, हमारा आटा अच्छे से भुन गया है और बहुत ही अच्छी एक खुशबू आ रही है। ये देखिए, इस तरह से भुनना है आपको। अब हमने जो देसी कट कोकोनट लिया है वो इसमें डाल देंगे और इसे 2 मिनट इसमें भून लेते हैं। हम अलग से बुरादा को नहीं भूनेंगे फ्रेंड, क्योंकि आटा हमारा गर्म है, इसमें ही भून लेंगे हम। इसे अच्छे से मिला देंगे फ्रेंड्स। इसे भूनते हुए 2 मिनट हो गए, हम गैस को ऑफ कर देते हैं। आटा हमारा गर्म है, इसमें ही हम भून लेंगे नारियल को ताकि अच्छे से भून जाएगा। इसे आपको अलग से भूनने की जरूरत ही नहीं है फ्रेंड्स, इसमें अच्छे से भून जाता है ये और एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी दोनों चीजों की। और फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 250 ग्राम घी लिया था। गोंद को फ्राई करने में और आटा भूनने में पूरा घी यूज हो गया है। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल देंगे। अब इसे हम पूरे को प्लेट में निकाल लेंगे। इसे हम ठंडा होने देते हैं, तब तक हम चाशनी बना लेते हैं लड्डू के लिए। फ्रेंड्स, अब लड्डू के लिए हम चाशनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ली है और जो हमने चीनी ली थी वो इसमें डाल देंगे और जितनी चीनी ली है उसका आधा पानी डाल देंगे। अब गैस को ऑन कर देंगे। अब लो टू मीडियम फ्लेम पे चाशनी को बना लेंगे। सबसे पहले हम चीनी को अच्छे से मेल्ट होने देते हैं। गोंद के लड्डू के लिए हमें 1 तार की चाशनी चाहिए। इसे हम चलाते रहते हैं और चीनी को अच्छे से पिघलने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है और अच्छा से बॉईल आने लग गया। और इसे चलाते रहेंगे जब तक कि 1 तार की चाशनी ना बन जाए। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगे कि आपकी चीनी की चाशनी में थोड़ी सी गंदगी है, ये देखिए एकदम साफ है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दूध नहीं डाल रही हूँ। अगर ऊपर फेना आ जाए दूध डालने के बाद तो आप उसे निकाल दीजिएगा। अब इसे हम चलाते रहेंगे जब तक कि 1 तार की चाशनी ना आए। फ्रेंड्स, हमारी चाशनी रेडी है, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 तार आ रहा है, ये देखिए। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और चाशनी को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर हम आके का प्रोसेस करेंगे। फ्रेंड्स, लड्डू बांधने के लिए मैंने एक परात ली है, इसमें पहले हम सारी चीजें मिला लेंगे। ये जो हमने आटा और डेसिकेटेड कोकोनट भुना था वो इसमें डाल देंगे। और जो हमने ये चाशनी तैयार की है उसको भी इसमें डाल देंगे। चाशनी हमारी ठंडी हो गई है, गर्म चाशनी नहीं डालना है फ्रेंड, नहीं तो लड्डू हार्ड बनेंगे। अब इसको अच्छे से मिला देते हैं एक बार। गोंद को लास्ट में डालेंगे। अब जो यहाँ पे हमने बादाम लिए थे वो डाल देंगे, इसको भी मिला देंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप अपने मन पसंद के ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे बादाम डाल रही हूँ। अब यहाँ पे जो हमने गोंद फ्राई किया था वो इसमें डाल देंगे, एक बार इतना ही डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे। अब सारी चीजों को हम अच्छे से मिला देते हैं, बाकी का गोंद भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सारी चीजें हमने अच्छे से मिला ली है।
अब एक बार हाथ से मिला लेते हैं और फिर लड्डू बांध लेते हैं। गोंद को हम इसलिए बाद में डालें ताकि गोंद पूरा टूट ना जाए। ये देखिए मैंने अच्छे से मिला लिया है, अब लड्डू बांध लेते हैं। आप जितने बड़े साइज के बनाना चाहें, छोटे बड़े उस साइज के ले लीजिएगा और इस तरह से हाथ में लेके इस तरह से हम लड्डू बना लेंगे। इस तरह से एक और बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से लेके इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा, लड्डू बन जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम सारे लड्डू बांध लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, गोंद के सारे लड्डू बनकर तैयार है। इस मेजरमेंट से हमारे इतने सारे लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए ये लड्डू स्वादिष्ट तो बनते ही है, साथ ही बहुत ही हेल्दी भी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली रेसिपी के साथ। थैंक यू।